बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जी, मैंने पॉइंट कर लिया है। चलें, ये बताइए कि जो लास्ट स्पीकर आपने सुना था क्या था, क्योंकि मुझे नहीं पता चला कि कब नेट गया है। मैं बोल रहा था आखिरी स्टेटमेंट जो आपने सुना है, जो मैं डिस्कस कर रहा था, वो कौन सा था? सर कुछ भी नहीं सुना। कुछ भी नहीं सुना सर पेपर्स का बता रहे थे आप। नहीं, नहीं सर, जो स्केली स्ट्रिपल्स वाला टॉपिक है वो नहीं अब तक पहुंचा है। नो सर। चलें दोबारा शुरू करते हैं, स्केली स्ट्रिपल्स जी। मैंने ये बताया था पेपर्स के बारे से बात हो रही थी कि वो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जो मीटिंग हुई है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा जी हमने बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम लेना है और सही तरीके से एग्जाम लेना है और जो सप्लीज वगैरह हैं वो सब होने हैं। और जाहिर है कि उनके फैसले के बाद बाकी यूनिवर्सिटीज को भी स्ट्रिक्ट फैसले लेने पड़ेंगे। उन्होंने ये कहा जाए सिर्फ सोशल डिस्टेंस रखी जाएगी और पेपर प्रॉपर तरीके से होंगे। जाहिर है कि अब उनके फैसले के बाद बाकी यूनिवर्सिटीज को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा। बहरहाल चलें, हम चल रहे हैं इस वक्त। हमारे हेडिंग है जिस वक्त टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। पहले हेडिंग है स्केल स्टिप्यूल्स। इसकी यहाँ डायग्राम नहीं है, किसी और जगह इसका जिक्र आज का है। जो आपको डायग्राम मौजूद है 5.3 ए बी और सी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। पीपल और बोर्ड इन पदों के नामों से वाकिफ हैं। इनमें बहुत बारीक छिलके जैसे स्केल लाइक स्टिप्यूल्स मौजूद होते हैं जो बहुत जल्द गिर जाते हैं। इसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका हुआ है और ये प्रोटेक्ट करते हैं पत्तों को। इसका जिक्र पिछले चैप्टर में हो चुका हुआ है। सेकंड है लीफी और फोलियशियस स्टिप्यूल्स। यही फिगर का नंबर 5.3 ए और बी डायग्राम्स हैं। जंगली मटर और फूल मटर की मिसालें हैं, खाने वाला मटर और जंगली मटर। और इसमें जो ए डायग्राम है ये खाने वाले मटर की है। इसमें स्टिप्यूल की शेप बिल्कुल पत्ते जैसी है। ऊपर जिक्र हो चुका है कि टेंडल पत्तियों से बने हैं। बी डायग्राम है जो लीफ लग रहा है वो स्टिप्यूल है और टेंडल जो है वो लीफलेट है। ये मॉडिफिकेशन है ऑप्शन के हिसाब से। सी डायग्राम गुलाब के पत्ते की है। गुलाब के पत्ते में पिटियोल के दाएं बाएं एडनेट स्टिप्यूल, एडनेट का मतलब साथ जुड़ा होगा, ऐसा स्टिप्यूल जो साथ जुड़ा होगा। ये सेपरेट हेडिंग होगा अगले पेज पे शेर मंत्र की किताब में, या अगर आपको उसमें और बुक है उसमें भी होना चाहिए। इसको नहीं है और याद रखिए कि डायग्राम यही बनानी है, रोज की एग्जाम्पल है और रोज की ही डायग्राम बनानी है। ये ना हो एग्जाम्पल किसी और की हो, डायग्राम किसी और की बनी हुई हो। अगला हेडिंग है जी फ्री लेटरल स्टिप्यूल, पॉइंट नंबर 3 पे शेयरमैन में। और फ्री लेटरल स्टिप्यूल में इसने कॉटन की एग्जांपल दी हुई है। कॉटन, कॉटन कपास, और अगर कपास ना हो तो कपास फैमिली के बहुत से मेंबर्स अब आजकल कॉलेज में गुले खैरा मिल सकते हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे गुले खैरा जी। ये और शू फ्लावर कल में अवेलेबल है, जब भी मौका मिलेगा कल में आके देख लीजिएगा स्टिप्यूल्स का। नंबर 4 पे जी पिटियोलर और एडनेट स्टिप्यूल। ये जो मैंने बैक पेज पे एक्सप्लेन किया था, चूंकि तरतीब डायग्राम की और लिखने की तरतीब मुख्तलिफ है, गुलाब की एग्जाम्पल एक्सप्लेन होगी बैक पेज पे। नेक्स्ट नंबर 5 पे है इंटर पिटियोलर स्टिप्यूल कॉफी प्लांट, कॉफी के पौधे में। इसकी डायग्राम है जो बी डायग्राम, बट लुक एट फिगर 5.4b। आपको सामने दो पत्ते नजर आ रहे हैं, उन दोनों के सेंटर में एक स्टिप्यूल नजर आ रहा है, ये इंटरपिट्यूल है। 5.6 है जी एक्सिलरी स्टिप्यूल विक्टोरिया रिजिया, एग्जांपल दी है वक्त ने। इसकी तस्वीर नहीं है लेकिन जी जो ये ए डायग्राम है, ए डायग्राम सॉरी जी विक्टोरिया रिजिया, अगरचे यहाँ पे एग्जाम्पल किसी और की दी गई है लेकिन सेम यही तस्वीर उसके लिए भी अप्लाई होगी, क्योंकि एक्सिल स्टिप्यूल की वजाहत पहले हो चुकी है। स्टिप्यूल एक्सिल में होते हैं, तो तमाम पौधों में एक्सिल लीफ एक्सिल में स्टिप्यूल मौजूद होते हैं। नंबर 7 एक बड़ी हट की चीज़ है ऑक्रियट स्टिप्यूल पोलीगोनम, पौधे का नाम फैमिली पोलीगोनेसी है। सी डायग्राम है जी 5.4c में तस्वीर नजर आ रही है। इसमें ऑक्रिया एक ट्यूब की शक्ल में, स्टिप्यूल एक ट्यूब की शक्ल तैयार करके और स्टेम के बेस को कवर किए हुए हैं। नंबर 8 पे टेंड्रिल स्टिप्यूल स्वाइलेक्स, अगले पेज पे डायग्राम है, स्वाइलेक्स ए डायग्राम है, आप देख सकते हैं पत्ते के दोनों तरफ, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है पीछे। नंबर 9 पे स्पाइनस स्टिप्यूल स्टेम स्पाइन एक्सप्लेन हो चुके हैं पीछे, यहाँ तस्वीर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि स्टेम के ऊपर दो कांटे और साथ कंपाउंड लीफ, लीफ के अंदर ही आपको पिन्यूल्स और उसके साथ ही स्पाइनस स्टिप्यूल का रेफरेंस। सी डायग्राम बेरी की है, बेरी में भी कांटा बड़ा क्लियर वाज़ नजर आ रहा है।
ज़िज़िफ़ा ज़ुज़ुबा बेरी, इसका इंग्लिश नेम इंडियन ज़ुज़ू है। छोटा सा हेडिंग है सिर्फ दो लाइनों के अंदर, स्टिपल्स। अगर स्टिप्यूल जैसी चीज पत्ते की बेस पे मौजूद हो किसी कंपाउंड लीफ में तो उसको स्टिपल कहते हैं। थैलेक्ट्रम पौधे का नाम है, इसका कोई लोकल नेम नहीं है जी, इसलिए ये किसी फैमिली में आएगा जिक्र इसका, तो आप फैमिलीज पढ़ेंगे। वेलकम, पहली फैमिली हो गया तो इसका जिक्र आ सकता है, थैलेक्ट्रम का नाम याद रखना है जी। ये टॉपिक पूरा हो गया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक मशहूर क्वेश्चन में शामिल है फाइलोटैक्सिस, फिल पत्ते को कहते हैं। फाइलोटैक्सिस का मतलब है स्टेम के ऊपर या किसी ब्रांच के ऊपर पत्तों की अरेंजमेंट, पत्ते किस तरह से अरेंज है। आपका दो डायग्राम्स हैं 5.6 और 5.7। 5.6 एक्चुअल है, 5.7 उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। स्टेम को बड़ा करके दिखाया गया है दायरे में। याद रखिए कि जो हमारे कागज़ की खामी, कागज़ और व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड की खामी होती है, खामी ये होती है कि कोई भी चीज़ जो आप बना रहे होते हैं, ड्रा कर रहे होते हैं, वो एक प्लेन में आपने ड्रा करनी होती है और एक्चुअल चीज़ें थ्री प्लेन में होती हैं। हम कागज़ के ऊपर जो तस्वीर बनाते हैं उसमें हम लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई हर चीज़ को नहीं दिखा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं उनको शो करने के लिए, जिसका ताल्लुक आर्ट के साथ है, हमारे साथ नहीं है। पहला डायग्राम उसके सामने बाहर लग रहा है कि ये पत्ते दाएं में मौजूद हैं, एक्चुअली कुछ पत्ते राइट पे हैं, कुछ लेफ्ट पे हैं, कुछ फ्रंट पे हैं और कुछ बैक पे हैं। तस्वीर में उनको हम सिर्फ राइट लेफ्ट पे ही शो कर सकते हैं। अब अगर आप पीछे शुरू करें और इनकी बेसिस को जोड़ना शुरू कर दें एक लाइन या फर्जी लाइन से, जैसा कि दाएं तरफ एक स्प्रिंग जैसी शेप बनी हुई है, तो एग्जैक्ट ऐसी शेप बनेगी। ये फिलोटेक्सिस की पहली टाइप है और इसका नाम है स्पायरल, स्पायरल स्प्रिंग को कहते हैं। अगर तमाम लीफ बेसिस वो जोड़ा जाए तो एक स्प्रिंग जैसी शेप बन रही है 5.7 डायग्राम के अंदर, जैसा आप देख सकते हैं। उसके मुकाबले में अगले पेज पे आ जाइए, साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। याद रखिए कि जो स्प्रिंग लाइक फाइलोटैक्सिस है, एक वक्त में एक जगह पे, एक नोड पर सिर्फ एक लीफ मौजूद होता है, जबकि अगर एक जगह पर एक से ज्यादा लीफ मौजूद हो, कम से कम दो तीन या ज्यादा, तो फिर वो जो फाइलोटैक्सिस है वो साइक्लिक कहलाती है। इसके डायग्राम 5.8, A, B और C तीन डायग्राम है इसके। अब स्पायरल में तो एक्सप्लेन हो चुका हुआ, चूंकि पिछले पेज पे तस्वीर थी, इसमें मस्टर्ड यानी सरसों और सनफ्लावर दो एग्जांपल दी हुई हैं शेयर में, बहुत से पौधों में, बहुत से मेजोरिटी पौधों में आपको ऐसा नजर आएगा। साइक्लिक में आगे दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ए डायग्राम को और से देखिए, इसमें दो पत्ते एक जगह पे, हर जगह पे दो पत्ते, दोनों पत्ते आमने सामने हैं और नीचे दरमियान में ऊपर सारे के सारे पत्ते एक ही एंगल के ऊपर पड़े हुए, इसको ऑपोजिट और सुपरपोज्ड का नाम देते हैं। उर्दू में सुपरपोज्ड का तर्जुमा मैं करने लगा हूँ, ये लफ्ज शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो आप बताएंगे। उर्दू लफ्ज है मुंतबक, ऊपर नीचे, सुपरपोज्ड का तर्जुमा मुंतबक है। जो दो पत्ते नीचे एग्जैक्ट उन्हीं के ऊपर दो पत्ते और हैं, उन्हीं के ऊपर दो पत्ते और हैं, एक ही एंगल के ऊपर, एक ही प्लेन के अंदर, ये ऑब्जेक्ट सुपरपोज्ड है, पहली डायग्राम जो आपने देखी है। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है यूजीनिया जैम्बुलिना, जामन। जामन बहुत मशहूर और मरूफ पौधा है और इसकी आने ही वाली है। इसके बी डायग्राम ऑपोजिट डिकसेट, ये अक और पुदीना, पुदीना मिंट है, अक एलोप्रोपस का जिक्र हो चुका है, इसके अलावा न्यासगो और ऑसिगम बेसिलम तुलसी वगैरह के नाम पीछे डिस्कस हो चुके हैं। इसमें भी हर जगह पे दो दो पत्ते हैं, लेकिन पत्ते अल्टरनेट हैं, दो पत्ते दाएं पे हैं, दो पत्ते फ्रंट बैक पे हैं, दो दाएं पे हैं, दो फ्रंट बैक। तस्वीर थोड़ा मुश्किल से बनेंगे लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बनने के लिए। आखिरी डायग्राम सी डायग्राम है, अगर एक जगह पे पत्ते दो से ज्यादा हों, तीन चार, यहाँ पे पाँच हैं और एक दायरे में, अगर दायरे में हो तो उसको वर्ल्ड का नाम देते हैं। बुक एग्जाम्पल ओलियंडर, ओलियंडर कनेर को कहते हैं, वर्ल्ड के लिए टेक्निकल लफ्ज एक और भी है और वो है वर्टिसिलेट, टेक्निकल दूसरा लफ्ज है वर्टिसिलेट। ये था जी ऑल अबाउट फाइलोटैक्सिस, हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होने लगा है। लेकिन आगे चलने से पहले मुझे लगता है मैंने शायद जी ये चेक करें, मैंने सीरें कहाँ तक भेजी थी, तस्वीरों को चेक कर लीजिए, मैंने तस्वीरें कहाँ तक भेजी थी, यहाँ तक भेजी है, इससे आगे तक है मुझे कुछ याद नहीं है, सारी तस्वीर चेक कीजिएगा, तस्वीरें कहाँ तक हैं देख के बताइए ज़रा। ये
ये फिगर 5.8 है, यहाँ तक कहीं इसे आगे भेजी है मैंने। जी कोई आंसर नहीं आ रहा आप में से किसी का भी, किसी तस्वीरों को चेक किया हो देख के बताइए तस्वीरें कितनी भेजी जा चुकी हैं। सर 5.15 था सर। 5.15 ठीक है, इसका जब हम आगे चल सकते हैं। चलिए बहरहाल जहाँ तक मैंने पढ़ाया पहले एक बार इसको देख लीजिए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इज इट क्लियर? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जो लेट आए हैं उनको पता नहीं चला है दोबारा सुन लीजिए, 17 पार्टिसिपेंट हैं इस वक्त मौजूद, और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने नाम को दोबारा दुरुस्त करना है। फर्ज कीजिए ये बहुत से बच्चों के नाम ऐसे मौजूद हैं लेकिन अक्सर इफ्तार मुझे ये बिल्कुल फ्रंट पे नजर आ रही है, इसने नाम के साथ अपने इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है और आगे जुआलॉजी 2 और आगे काली रोल नंबर लिखा हुआ है, दोनों से लिख लीजिए चूंकि अभी पुराने इंस्टीट्यूट में आपके काली रोल नंबर थे इंस्टीट्यूट रोल नंबर नहीं थे, जब दोनों इकट्ठे होंगे तो हमारे लिए इनको लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए सब लोगों ने इस स्टाइल से अपने तमाम रोल नंबर्स को ये यूनि लिखने की जरूरत नहीं है, यूनि ये एक बच्चे ने मुस्फरा ने साथ जो कॉलेज रोल नंबर हैं वो सारे के सारे 400 की रेंज में हैं, 450 से लेके गालबन 480 की रेंज में थे आपके रोल नंबर, 400 लेके जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर हैं वो बजाय 3 के 4 रेंज से लिखिए, जो आपका 84 की जिसका रोल नंबर है जो 038467 तो आप 8467 लिखते हैं, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर है क्योंकि 4 हिंसों में या 5 हिंसों वाले रोल नंबर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, और साथ जुआलॉजी 2 जुआलॉजी के लिए जेड और 2 के लिए आई आई, ताकि एक ही लाइन में देखते ही पता चल जाए कि ये जो बच्चा है किस क्लास का बच्चा है किस सेमेस्टर का बच्चा है और उसका नाम रोल नंबर कल रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर का है। ये सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए ऐसा है, आगे से आपका सिर्फ मुझे लगा चूंकि अब हम दोनों रोल नंबर मैच कर लेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज रोल नंबर, नेक्स्ट सेमेस्टर से आपके सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी रोल नंबर चलेंगे, कॉलेज रोल नंबर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये सब ने बात सुन ली है फॉलो कर ली है, तो जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया हुआ था वो हाजिरी वाला मैसेज अभी कर दीजिए और अगले टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। जी हमारा अगला हेडिंग है जी वेनेशन, लीफ वेनेशन पूरा नाम है, सिंपल वेनेशन पूरा लफ्ज है लीफ वेनेशन, पत्ते में वेन्स किस तरह से मौजूद है, वेन्स क्या होती हैं किस तरह से होती हैं। यहाँ पे तस्वीरें मौजूद हैं, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, वो है तो मैंगो के नाम से है, मैंगो बेबी प्रोडक्शन, लेकिन उसके अंदर मैंगो के लीफ को दिखाया भी गया हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा, तो उसमें रेटिकुलेट या नेटवर्क वाली जो वेरिएशन है वो बहुत क्लियर नजर आ जाएगी। यहाँ पे चूंकि सिर्फ तस्वीरें हैं इसलिए वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। जी लीफ वेरिएशन दोबारा सुन लीजिए, हम ये पॉइंट पीछे डिस्कस हो चुका है एक बार, डाइकाट और मानो काट पौधों को उनके लीफ को देख के भी पहचान सकते हैं, मेजॉरिटी पौधों में जो डाइकाट लीफ हैं उनमें लीव्स के अंदर जो वेन्स होती हैं वो नेटवर्क की तरह से मौजूद होती हैं, हम उसको लीफ कनेक्शन रेटिकुलेट का नाम देते हैं, और उसके मुकाबले में जो दूसरे वाले हैं यानी मानोकार्ट लीव्स उनमें लीफ कनेक्शन जो है वो ये होती है जिसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक पैरेलल मुतवाजी। अब तस्वीरों को फॉलो करते हैं और इनकी डिटेल्स को हमने देखना है, पहली तस्वीर जो आपके सामने हो एक फिगर है जो 5.9 ए और बी, इसमें दो पत्ते हैं, पहला पत्ता ग्रास का है और दूसरा पत्ता केले का हो सकता है, केले का हो सकता है, यानी बहुत से पौधे हैं जिनका पत्ता इस तरह के हैं क्योंकि एग्जाम्पल एक से ज़्यादा है इसलिए। अच्छा इसमें एक वजाहत की ज़रूरत है वो मैं पहले दोबारा वजाहत कर दूँ, अब यूँ कीजिए कि पहले फिगर 5.10 ए डायग्राम को से देखो, इसके सेंटर में मिडरिब है उससे साइड से वेन्स निकल रही है, वेन्स से फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं इनको वेनेट्स कहा जाएगा, जबकि जो 5.9 डायग्राम है ए और बी, ए में कोई मिडरिब नहीं है सारी की सारी लाइनें बारीक बारीक कर और जा रही हैं, जबकि बी में मिडरिब भी है और साइड पे पैरेलल वेन्स भी मौजूद है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन 2-3 मुख्तलिफ किस्म के पौधों के अंदर आप हो सकती है, लेकिन अब आ रहे हैं हम डिटेल्स की तरफ। पैरेलल फिनिशिंग आपके सामने ए और बी दो डायग्राम है, ए डायग्राम एक पत्ते की है, पत्ते की बेस से लेके उसके आखिरी सिरे तक
तो वहां वेन्स एक ही तरह से पैरेलल चल रही है, मतवाजी चल रही है। ये हो गया जी डेफिनेशन जो पैरेलल की है। दूसरी डायग्राम और से देखते हैं, बैटरी मौजूद है, उसकी साइड से मार्जिन तक मतवाजी पैरेलल का दरमा मतवाजी हृदय में जा रही है और इसमें जो एग्जांपल बनाना की एग्जांपल आ सकती है, बनाना की बहुत एग्जांपल आ सकती है आपकी बुक में। इसमें अनियन दिल्ली बहुत से पौधों की मिसालें दी हुई हैं जो कि मोनोकॉट हैं। इन चैनल सब पैरेलल हैं, खा वो बेडरूम से निकल रही हैं, खा वो बेस से निकल रही है, जा रही है, वो ऐसा शुरू है। अब हम सेकंड टाइप में जाएंगे, रेटिकुलेट जी। इसमें एक लफ्ज और ज़्यादा है जो फिगर 5.9 है, ए और बी जो हैं तो दोनों पैरेलल हैं, बोथ आर पैरेलल, लेकिन एक फर्क के साथ है जो इसकी ए डायग्राम है, इट इज मल्टी कॉस्टेड, मल्टी मतलब ज्यादा, कॉस्टा रिब्स को कहते हैं। तस्वीर को और से देखें, इसमें बारीक बारीक लाइनें सारी की सारी पैरेलल जा रही है, मल्टी ज्यादा ज्यादा लाइन्स हैं, पैरेलल हैं, कोई एक मिडरिब नहीं है, इसको मल्टी कॉस्टेड का नाम दिया गया। बी डायग्राम में सेंटर में सिर्फ एक मिडरिब है और उसकी साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको यूनिकॉस्टेड का नाम दिया गया है। ये मोनोकॉटिक के लिए वजाहत थी। अब आगे हमारा रेटिकुलेट शुरू हो रहा है, एबीसी तीन डायग्राम है 5.10 और इसको हम देखेंगे। इसमें जो पहली डायग्राम आप देख रहे हैं वो यूनिकॉस्टेड की है और जो सेकंड थर्ड वाली है वो मल्टीकॉस्टेड की है। इनकी आगे फर्दर तस्वीरें यहाँ बनी हुई हैं, लेकिन इनकी जो डिटेल्स हैं वो अगले पेजेस पे आपको मिलेंगे। डिपेंड करके आपको कौन सी है, पहले ए डायग्राम को दोबारा देखें। यूनिकॉस्टेड इसमें मिडरिब सेंटर में एक प्रोमिनेंट है, उसकी साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं और ये ब्रांचेस मार्जिन की तरफ जा रही हैं। सेकंड ये अरेंज और भंगा पता भी कुछ यूं ही होता है, इसके अंदर जो वेन्स हैं वो बाहर की तरफ फैल रही हैं। टेक्निकल लफ्ज बोलना है, आपने डायग्राम के नीचे लिखा हुआ मल्टीकॉस्टेड एंड डाइवर्जेंट, टेक्निकल लफ्ज है मल्टीकॉस्टेड एंड डाइवर्जेंट, ये इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अपने वीडियो आप रखे हैं उमल बनीन, कोई बच्चा अपनी वीडियो आने करेगा, वीडियो को आप रखना है। जी बात चल रही थी जी, बी डायग्राम इट इज मल्टीकास्टेड एंड डाइवर्जेंट। सी डायग्राम को और से देखना है, बहुत सी वेन्स स्प्रेड हो रही हैं और ये जो स्प्रेड हो रही हैं सारी की सारी एक जो आखिरी वाला एपिक्स है उसकी तरफ कन्वर्ज हो रही है। चला जो इनके लिए लफ्ज है मल्टीकास्टेड एंड कन्वर्जेंट, कन्वर्ज मरकूज हो जाना, ये आपने लफ्ज पढ़ा होगा या लेंथ स्टडी किया। जी बेसिक्स कंप्लीट हो गए और अगले पेज पे इन्हीं की डिटेल्स दी हुई हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। कैलिब्रेशन के लिए एक और लफ्ज चेक कीजिए, जिस तरह से एक परिंदे के पर होते हैं जो बी डायग्राम थी बैक पेज के ऊपर, वो परिंदे के पर जैसे पिनेट का नाम यूनिकॉस्टेड और पिनेट परिंदे के पर की शक्ल में, इसमें बनाना यानी केला, कैना केली या की और टर्मेरिक हल्दी के पत्ते की मिसालें हैं और मल्टीकॉस्टेड या पॉमेट इसमें ग्रासेस राइस वीट और शुगर केन, कन्वर्जेंट के अंदर डाइवर्जेंट में फैन पॉम स्पीकर, फैन पॉम हमारे कॉलेज में होगा फ्रेंड्स, सब कैंपस के सामने जो पॉम हो गए हुए हैं वो फैन पॉम की एग्जांपल्स हैं। फैन पॉम इसलिए कहते हैं जैसे वो जो हाथ से झूलने वाला पंखा होता है खूबसूरत डिजाइन वाला, बिल्कुल उस जैसी शेप वाले इसके पत्ते होते हैं फैन पॉम्स के और उसकी वेन्स बाहर की तरफ स्प्रेड होती हैं। इसकी डायग्राम यहाँ नहीं बनी हुई है, आगे जाके किसी जगह पे ये तस्वीर आपको मिल जाएगी इसी चैप्टर के अंदर फैन पॉम्स वाले, जबकि बाकी पौधे मशहूर मारूफ हैं और आप उन पौधों से पहले से वाकिफ हैं। जी हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम बाकी है, चूंकि
मैंने अगर टाइम पे इसको स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैं इसके अभी आगे नहीं जा सकूंगा, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। तमाम इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं दोबारा सुन लीजिए, आते ही आप अपनी अटेंडेंस लगानी है जी और प्लीज आ जाए। अगर कोई और बच्चा भी साथ रिकॉर्ड रखना चाहे तो आप हाजिरी का रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर कोई भी और स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट की शक्ल में भी इस रिकॉर्ड को महफूज कर सकते हैं, डेट वाइज उसको संभाल के रखते रहें, अगर एंड पे किसी को प्रॉब्लम पेश हो तो वो उसको देख सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने किस वक्त स्क्रीन शॉट लिया है, शुरू में लिया तो कम बच्चे होंगे, एंड पे ज़्यादा होंगे, इसने दरमियान में लिया है, बस वक्त कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर इस वक्त मेरे पास सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि हाजिरी 16 बच्चों की लगनी चाहिए, ज़्यादा की नहीं हो सकती है जी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है, आप अपने नाम और रोल नंबर करेक्ट करने हैं, नाम नाम के साथ ही कॉलेज रोल नंबर और स्पेस दे के एक रोल नंबर, आप 400 में कॉलेज रोल नंबर आपको 300 में होता है, ये सिर्फ कुछ देर के लिए मैं करना पड़ेगा ताकि अटेंडेंस आपके मार्क होती रहे। आपकी क्लास के बाकी बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आज फिर सबसे डिस्कस हुआ है मसला, आप लोग उन लोगों को भेजा जा रहा है, वार्निंग लेटर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो लोग क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे वो अपने नुकसान के ऊपर जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए जिनसे आपको कोई रब्ता मौजूद है, कोई क्वेश्चन आता है पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जी ताहा संभल, आपने भी इसमें जो UNI और जो हैच डाला हुआ है ये निकाल देना है, इसकी जरूरत नहीं है। नाम और उसको सिंपल रखें कि एक ही लाइन के अंदर सारा कुछ आ जाए। कॉलेज रोल नंबर सारे के सारे 3 फिगर्स में हैं, जैसे 478 है, रजिस्टर्ड रोल नंबर को 84 जो सीरीज है उसके अलावा 8 से शुरू करके एंटर ले जाए, 400 के अंदर पूरा हो जाएगा। रिपोर्टमेंट्स और कम हो गए हैं और चैट में मैसेज में देख लो कि कितने लोगों ने मैसेज किया है मुझे। ये चूंकि मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था मैंने इसको रिकनेक्ट किया है, ये आप सब लोग जल्दी से दोबारा, वो चूंकि पहले वाला सेव नहीं हो सका है, आप जल्दी से सबके सब अटेंडेंस दोबारा मार्क कीजिए। मिनाल सलीम की अटेंडेंस इसमें शो हो रही है, ये लेटर ही होगी, और जो पहले आ गए थे चूंकि जब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था वो फाइल सेव नहीं हो सकती है, आप अटेंडेंस फॉर मार्क कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल, यानी अपना ये खाली मैसेज पी या प्रेजेंट लिख के मैसेज कर दो, जल्दी करें, टाइम थोड़ा है, 2 मिनट हैं, ये खत्म होने वाला है। आप वैसे करेंगे उसमें अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो अंडरस्टूड आ जाएगा, सिर्फ पी लेते हैं आप, जस्ट उसमें पी टाइप करेंगे तो आपका नाम साथ आ जाएगा, जो नाम आपने दिया हुआ है वो नाम चैट में आ जाते हैं, सिर्फ जस्ट पी लिख के सेंड कर दें तो वो पहुंच जाते हैं। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 कुछ अंक हो गए जी, 11 हो गए हैं। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जी, जिससे पहले पढ़ा हुआ उसके वाले को क्वेश्चन तो वो ही पूछ सकते हैं। अटेंडेंस सबकी हो गया, कोई रह तो नहीं गया है जी, तो बाद में कोई ना कहे जी मैं रह गया था या मैं रह गई थी। हमारी
ये दूसरा बहुत आम पॉइंट, पिछले साल जो आपका पहला सेमेस्टर था उसमें आपके साथ बहुत सी कंसेशन की गई है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो आपका पहला साल था, पहला सेमेस्टर था, आप लोग कैसे जी हमें भी आदि नहीं, हमें पता नहीं है। आप सबको मालूम है कि पढ़ाई कैसे होती है, पेपर्स कैसे बनते हैं और मैं पेपर कैसे चेक करता हूँ। अब की बार कोई बहाना नहीं होगा। फिर सुन लीजिए, सेकंड सेमेस्टर में किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं है आपके लिए। तैयारी कर लें, फिर ना कहना खबर ना हुई और ना ये कहना जी हम सो रहे थे हमें पता नहीं चला। इस बार किसी किस्म का कोई बहाना नहीं होगा, किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं होगी। ये वर्डिंग वो है जो वीसी ने इस्तेमाल की है कि हम किसी स्टूडेंट को किसी किस्म के कोई रियायती नंबर नहीं देंगे। मेडिकल कॉलेज के जो मिनट्स आए हैं उनके उनमें ये वर्डिंग मौजूद है, किसी स्टूडेंट को किसी किस्म के कोई कंसेशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो हमें भी उनका मुकाबला करना है और वो मुकाबला तभी होगा जब आपको भी किसी किस्म के कोई कंसेशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने आगाह कर दिया है और इसको मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है, ठीक है। चुनाचे अगर कोई कहेगा जी कि ये, तो मैं बता सकूँगा कि ये देख लीजिए, आपको बहुत पहले बता दिया गया था कि ये अब इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। इसलिए जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको बता दें, जो मौजूद हैं वो कान खोल के सुन लें, स्टडी को प्रॉपर करना शुरू कर दें, बहाने खत्म कर दें।